झारखंड में कब होगी खेल खिलाड़ियों की कदर। ताइक्वांडो में विशाल ने हासिल किया राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में मेडल। पैसे की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतिस्पर्धा में नहीं ले सका था भाग। अब ट्रेनिंग देकर कर रहा गुजर बसर। कोरोना महामारी में ट्रेनिंग पर भी लग गया है ग्रहण। झारखंड में न जाने कब खेल और खिलाड़ियों की कदर होगी, यह कोई नहीं बता सकता। खेल में निपुण खिलाड़ी पैसे की कमी से जूझ रहा है। राज्य स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि जाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार खेल विभाग से मदद की गुहार लगा रही है लेकिन मदद नहीं मिली। फिर भी खिलाड़ी का मनोबल नहीं टूटा। अपने खेल से लोगों को ट्रेनिंग देकर अन्य लोगों के खिलाड़ी बनाने तथा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कोरोना महामारी ने खिलाड़ी के इस प्रयास में भी ग्रहण लगा दिया। किसी तरह अपनी गुजर बसर कर घर चलाने पर भी विराम सा लगा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनबाद जिले के भूली बस्ती में रहने वाले विशाल पंडित की। धनबाद के विशाल पंडित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। आज किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। 2013 में एक चैंपियनशिप के दौरान दाहिने हाथ में चोट लगने के बाद हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद पैरा ओलंपिक में चयन हुआ। उनका जीवन यापन ट्रेनिंग से होने वाले आय से चलता था। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल से ही ट्रेनिंग क्लासेस भी बंद है, जिससे घर की स्थिति दयनीय हो गई है। पिता दिहाड़ी मजदूर का काम किया करते हैं, लेकिन पिता के पैर में चोट एक दुर्घटना में लग गया था। अब पिता भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। भूली बस्ती के रहने वाले विशाल कुमार पंडित का चयन 4 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कोरियो मार्शल आर्ट की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हुआ, लेकिन वह इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाया। गरीबी और सरकार की उदासीनता के कारण प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाया। विशाल पंडित राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में कई मेडल और पुरस्कार हासिल किया। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने भी विशाल ने सफलता हासिल की है। कंपटीशन के दौरान विशाल के दाहिने हाथ में चोट आ गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। विशाल ने पारा ताइक्वांडो में कोशिश की। पारा ताइक्वांडो के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतिस्पर्धा में विशाल चयन हुआ। अमेरिका, जॉर्डन, इजिप्ट और भारत में हैदराबाद में होने वाले प्रतिस्पर्धा में विशाल को शामिल होना था, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही मंजूर था। गरीब और सरकार की उदासीनता के कारण वह प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए नहीं जा सका। विशाल के पास यात्रा पर निकलने के लिए पैसे नहीं थे। खेल मंत्रालय से लेकर सरकारी स्तर पर मदद लेने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वहीं विशाल के पिता संजय पंडित कहते हैं कि बेटे के अंदर शुरू से काफ़ी प्रतिभा रही है, हमें जितना करना चाहिए था हमने करने दिया, अब सरकार को भी थोड़ी पहल करने की ज़रूरत है। वहीं स्थानीय समाजसेवी जितेंद्र कुमार ने कहा कि इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार को भी आगे आकर मदद करनी चाहिए ताकि इनके परिवार का भी हौसला बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए, सूची के अनुसार वैसे खिलाड़ियों को मदद देनी चाहिए। धीरे करके स्टेट में मेडल, फिर नेशनल में मेडल आया। इंटरनेशनल के लिए भी हम लगभग 4-5 बार चयनित हो चुके हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँ। हमारा एशियन गेम में भी, एशियन चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेशन के लिए चयनित हो चुके थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण हम बाहर नहीं जा पाए। क्या समस्या क्या आई थी? उसमें समस्या यही आई थी सर कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमारे घर में पापा दिहाड़ी मजदूर हैं, पापा का इतना इनकम नहीं होता है कि 1-1.5 लाख रुपया करके हम लोग बाहर जा पाएँ। इस कारण से हमने सभी मंत्रीगण, खेल मंत्रालय तक लेटर दिया था, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई ना होने के कारण हम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। परिवार के खर्च के लिए हम घर घर जाकर कोचिंग क्लास करवाते थे। मतलब एक ग्रुप में? ग्रुप में, इंडिविजुअल दोनों। ज़्यादातर लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया है और अभी लगभग हमारे पास ज़्यादातर लड़कियां ही प्रशिक्षण लेती है। आत्मरक्षा के लिए लड़कियों को सिखाते हैं? आत्मरक्षा के लिए लड़कियों को ताइक्वांडो सिखाते हैं, तो चैंपियंस में पार्टिसिपेशन करवाने के लिए ताइक्वांडो सिखाते हैं। सर 2020 में जब स्टार्ट हुआ था कोरोना, तब से हमारा सभी कोचिंग क्लास बंद है और
हम लोग कमा करके खाते थे, लेकिन तब से बंद होने के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है और अब तक बंद है, जिस कारण से हमारा इतना पैसा है नहीं कि चलेगा घर। पापा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनका भी काम था कोरोना में। जी, उनका भी काम कोरोना में बंद है और वो नहीं कर पाते हैं। उनका एक्सीडेंट होने के कारण पैर में चोट लगा हुआ है, जिस कारण से वो मजदूरी का काम भी नहीं कर पाते हैं। क्या सरकार से डिमांड करते हैं? सरकार से यही है, अनुरोध है कि वो मेरी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ सहायता करे तथा हमें एक स्थायी रोजगार प्रदान करे, जिससे खेल शिक्षक बनकर हम बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक के लिए सिखा सके। हाजिरी में काम करते हैं। तो अभी क्या काम वाम चल रहा है? कोरोना काल के लिए बंद है। किस पैर में भी प्रॉब्लम आपको आई? एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद से काम करने में भी दिक्कत होती है? बहुत काम दिक्कत होती है। अभी घर का जो है गुजारा वो कैसे चलता है? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत काम करके इधर उधर से अपना चलाते हैं घर। मांग सरकार से हम यही करते हैं कि मेरे लड़का के अच्छा से कहीं कहीं काम लग जाए। बहुत खुशी लग रहा था सर कि मेरा लड़का बाहर जा रहा है खेलने के लिए, सब पे खुशी होगा। बहुत ख़राब महसूस हो रहा था कि मेरा लड़का नहीं जा पाया गरीबी के कारण। जी, सरकार चाहती तो खेल सकता था। हालात लग रहा सर गरीबी के कारण कहीं खेल नहीं पा रहा, कहीं जा नहीं सकता, इसके चलते जी सरकार को हम यही कहते हैं कि सरकार आगे आकर अपने खिलाड़ी को अपना सफल में मदद करें, उनके खिलाड़ी और मनोबल को बढ़ेगा। सरकार मदद करेगी और परिवार को मनोबल बढ़ेगा। और इनकी जो हालत है वो दर दर भटकने वाली स्थिति है। संपन्न गुण से हैं भरपूर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते थे, ख्याति प्राप्त कर सकते थे, भारत का नाम रोशन कर सकते थे। गरीबी और सरकार की नाकामी और सरकार इनके प्रति जो अभी तक सहयोग नहीं किया, जिनके कारण आज एक प्रतिभावान खिलाड़ी को उन्होंने सरकार ने खोने का काम किया है। और हम एक मांग करते हैं कि इनके प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार आगे आवे, इनको मदद करे, ताकि इनके परिवार का भी हौसला बढ़ेगा और हमारा कोयलांचल गौरवान्वित होगा, झारखंड गौरवान्वित होगा, भारत गौरवान्वित होगा। सरकार को उसके लिए साधारण सा है कि ऐसे प्रतिभा को की सूची सरकार को बनानी चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन प्रतिभावान खिलाड़ी किस क्षेत्र के लिए हैं। आज ताइक्वांडो है, कराटो है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, एक सूची होनी चाहिए ताकि सरकार की भी नज़र रहे इन पर, खिलाड़ियों पर, और सरकार उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करे। बिल्कुल होना चाहिए कि अगर परिवार सक्षम है तभी अपने बच्चे को वो आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो अपने बच्चों को क्या वो आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से परिवार को भी सरकार को सबल बनाने की ज़रूरत है। परिवार अगर सबल होगा, लड़का भी सबल बनेगा, राज्य भी सबल बनेगा, राष्ट्र भी सबल बनेगा।